हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, बड़ा प्रश्न है भाई, हमें पूजा क्यों करनी चाहिए। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, आप जानते हैं प्रत्यक्ष देवता हैं, उसी प्रकार से हम जब देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो उसका विशेष लाभ हमको मिलता है जी। और उसमें स्वास्थ्य लाभ भी है, स्वास्थ्य लाभ तो नहीं है। पहले कहा गया भाई चार प्रकार के सुख कहे गए, पहला सुख निरोगी काया, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके घर में धन रहेगा त्रिपाठी जी, और दूसरा सुख जब घर में माया भाई, आपके घर में जब माया रहेगा, और फिर तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी जी, भाई धन भी आ गया, स्वस्थ हैं आप तो धन आएगा, धन से फिर पैसा आएगा। यदि आप स्वस्थ हैं, अब आपको 104 बुखार है, आप कैसे ब्रॉडकास्टिंग यहाँ कर सकते हैं, कैसे फैक्ट्री जा सकते हैं, कैसे दुकान जा सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो वेद में कहा गया शरीर माध्यम खल धर्म साधने सु, जितना भी दुनिया का सुख साधन वैभव है, यह प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान को किया था कि सबसे जरूरी वस्तु क्या है, तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा शरीर माध्यम खल धर्म साधने सु, दुनिया का जितना धर्म साधन है वो शरीर के माध्यम से है, तो पहला सुख निरोगी काया जी। और दूसरा सुख जब घर में माया, तो माया कैसे आएगी जब आप स्वस्थ रहेंगे, और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, पति पत्नी में प्रेम होना ये बहुत बड़ा सुख है ना। फिर चौथा सुख सुतज्ञाकारी, जो आपके बच्चे हों, परिवार हों, बेटा हों, बेटी हों, आपके कहने में रहें है। फिर पांचवा सुख है प्रतिष्ठा भारी, कि आपके नगर में शहर में आपकी प्रतिष्ठा हो, तो उसी प्रकार से प्रमुखता से तो ये चारों की प्रमुखता। और ये आचार्य जी पूरा सीक्वेंस में, पहला अगर आपको सुख है तभी आपको दूसरा मिलेगा, और पहला और दूसरा है तभी आपको तीसरा मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा तभी आपको चौथा मिलेगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े मिले हुए हैं जी। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा ये भी जरूरी है। और जो आपने, मैं एक बहुत ही बीच में आपको रोक रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने साथ में प्रार्थना करने की बात कही, आज कोई शहर में रह रहा है, कोई गाँव में रह रहा है, कोई एक ही शहर में दो अलग अलग जगह परिवार रह रहे हैं, तो संभव नहीं हो पाता कि सब साथ में प्रार्थना करें। साथ में प्रार्थना करने का क्या महत्व है? देखो लिखा है कि यदि आप एकत्र भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, और ये प्रश्न किसने किया? नारद जी ने किया। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने कहा ना हम बसाम च वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। कहा फिर कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते होंगे। बोले क्षीर सागर में भी नहीं रहता। फिर बोले योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा वहाँ भी नहीं रहता। तो नारद जी ने कहा महाराज फिर आप रहते कहाँ? आप बैकुंठ में नहीं रहते, आप अयोध्यापुरी में नहीं रहते, आप मथुरापुरी में नहीं रहते, आप साकेत में नहीं रहते, आप बैकुंठ में नहीं रहते, तो फिर आप रहते कहाँ हैं? फिर आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। उन्होंने कहा वहाँ भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हैं? बोले मम भक्ता जी, मेरे भक्त लोग जहाँ एकत्रित सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर मेरा गुणगान करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं तो वहीं होता हूँ। तो सामूहिक पूजा का ये महत्व है कि भगवान आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को, आपके प्रेयर को सुनता है। इसलिए सामूहिक पूजा बहुत जरूरी है। उससे फिर क्या होगा? परिवार में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए शास्त्र ने पहले कहा था कि परिवार को एक साथ यात्रा कहीं नहीं करनी चाहिए, पहला नियम यह है। लेकिन भोजन करते समय सबको साथ करना चाहिए, माता पिता के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, उसमें प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। आज आप देख रहे हैं घर घर में कटुता चली आ रही, भाई भाई से नहीं बोलना चाहता, बेटा पत्नी से नहीं बोलना चाहता, पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, पिता पुत्र में हो रहा है। उसका कारण यही है, साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते। अरे भाई मोबाइल की कैपेसिटी, एक तो सबसे ज़्यादा इस मोबाइल ने सत्यानाश किया हुआ है। घर में चार सदस्य हैं, चारों बैठे हैं अलग अलग,